एक सेकंड देख क्या होगा जब आंटी बहुत दर्द कर रहे हो आज आप, नहीं प्यार से करो बेटा चेक कर लो कोई बाल तो नहीं रह गया। भगवान जी इस दर्द से छुटकारा दिला दो भगवान। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। और मेरी पिछली वाली वीडियोस आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, मेरा पूरा चैनल स्टॉक कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज आज की ये वीडियो लेके आई हूँ मैं उन लेडीज जेंटलमैन के लिए जिनको कि पार्लर जाना आफत लगती है। आफत लगता है पार्लर जाना सिर्फ आईब्रोज और अपर लिप्स बनवाने के लिए, जैसे कि मेरे जैसे लोग हैं जो कि आलस में जाते भी नहीं हैं जब तक उन्हें कहीं जाना ना हो। भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम मेकअप करते हैं, मतलब जब हम मेकअप करते हैं तो लिपस्टिक पे अपर लिप्स के बाल काफी ज्यादा हाईलाइट होते हैं, आई शेडो के बीच बीच में से ये यहाँ से जैसे आपके आईब्रोज के बाल होते हैं ये निकल के आते हैं, तो एक अच्छा लुक आ नहीं पाता है। तो इस वजह से मैं ना काफी टाइम से कोई ऐसी चीज ढूंढ रही थी जो मुझे बचा सके इस पार्लर के झंझट से, उस दर्द से। मतलब आधे से ज्यादा लोग तो ना दर्द की वजह से ही आईब्रोज या अपर लिप्स नहीं करवाते हैं, तो मुझे मिला है एक बेस्ट सॉल्यूशन। मैंने काफी फैक्टर्स कंसीडर किए ये प्रोडक्ट बाय करने से पहले, और गाइज ये दोनों ही प्रोडक्ट्स मैं आपको बता दूं पहले ही नॉन रिटर्नेबल है। अगर आप मंगाते हो तो अपने रिस्क पे, खैर आपको रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं रिव्यू कर रही हूं, आप मेरा ये रिव्यू देख के प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। तो भाई तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे पास है ये दो प्रोडक्ट्स मेरे, तो मैं इन दो को करने वाली हूँ रिव्यू। और इनमें से एक है मेरा फेवरेट, जिससे कि मुझे हो गया है मई जून जुलाई अगस्त चार महीने यूज करते हुए, और मैं अब इसे रिव्यू करने वाली हूँ। तो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस तो आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ हो गई है, तो हम दोनों ही प्रोडक्ट्स यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहला है ये सिलिक्यूका हेयर थ्रेडिंग सिस्टम, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइस जैसी थ्रेडिंग होती है ये बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें हाथों की जगह ये टूल है जो थ्रेड को होल्ड कर रहा है, और ये बहुत स्मूथ है, पता ही नहीं चल रहा। आप देख सकते हो मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है, और मैं आपको ये अपर एंड लोअर डायरेक्शन दोनों में करके दिखाऊंगी कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस तो आप इसे यूज़ करने की गलती मत करना, स्मूथ तो ये हो गई क्योंकि ये एक भी बाल नहीं निकाल रहा है, ये एकदम यूज़लेस प्रोडक्ट है। इसकी थ्रेड की क्वालिटी जो है ना वो बिल्कुल भी, थ्रेडिंग वाला थ्रेड होता है ना ये बिल्कुल भी वैसा थ्रेड नहीं है। और इन्होंने देखो सोने पर सुहागा, हाँ वैसे ये इतना बेकार प्रोडक्ट है, इसके साथ इन्होंने हमें इतने सारे थ्रेड्स भी दिए हैं ताकि अगर आप ये वाला थ्रेड यूज़ करके ये जब ख़राब हो जाए तो आप इसे चेंज करके नया थ्रेड यूज़ कर सको, लेकिन ये किसी काम का ही नहीं है। मतलब थ्रेड से तो हमें कितना पेन होता है, मुझे तो फील भी नहीं हो रहा था, फील तो जब होगा जब बाल निकलेंगे, बाल निकल ही नहीं रहे थे। ये किसी काम का नहीं है, ये तो क्लचर भी नहीं बन पाया। तो आप इसकी थ्रेड की क्वालिटी देख सकते हो। तो ये है मेरा पर्सनल फेवरेट, तो हम इसे अभी यूज़ करके देखते हैं। मैंने दोनों ही प्रोडक्ट्स साथ में मंगवाए थे तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पता चल गया था कि यूज़लेस है, बट ये वाला मैंने चार महीने यूज़ किया। ये एकदम पोर्टेबल प्रोडक्ट है, इसे आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, और इसमें ऑन ऑफ का बटन है और बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी ख़त्म हो जाए तो दूसरी डाल लो। इस ट्रिमर में हमें मिलती है एक लाइट जो कि किसी काम की नहीं है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, कभी कभी वो बंद भी हो जाती है, कभी कभी चल जाती है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि जब ये नॉर्मल चल रहा है तो इसका साउंड नॉर्मल है, पर जब इसके अंदर कोई भी बाल फंसता है तो इसकी आवाज़ बदल जाती है। और इस ट्रिमर को यूज़ करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है कि जिस डायरेक्शन में आपके बाल हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में आप ट्रिमर को यूज़ करो, तो ये बहुत ईजीली बालों को पकड़ता है और ट्रिम करता है। तो गाइज अब हम इसका मैजिक देखते हैं, इसका फीडबैक मैं आपको दूंगी अच्छे से। तो ये आपने देखा कुछ तो बाल गिरे हैं, मतलब कि तो इसने अपना काम किया है, छोटा सा मिनी ब्रश जिससे कि आप इसे साफ कर सकते हो, जो ये ब्लेड है इसे वापस सेट करना भी बहुत इजी है। ये ब्लेड का फेस इस तरफ होना चाहिए, और ये लो जी
ये रहा आपके सामने रिजल्ट और काफी बेहतरीन रिजल्ट है। देख सकते हैं यहाँ वाली साइड मैंने नहीं की अपनी, यहाँ वाली साइड मैंने की है। तो ये रिव्यू देने के लिए मैंने काफी दिन वेट किया था कि मेरी ग्रोथ प्रॉपर हो जाए ताकि आपको अच्छे से डिफरेंस पता लगे, पर ग्रोथ हो भी गई थी पर मुझे बाहर जाना पड़ा तो इस वजह से मुझे फटाफट से करना पड़ा। तो अभी आप देख सकते हैं जितना भी थोड़ी बहुत है वो चीज आप देख सकते हैं। हाँ है इस साइड, ठीक है बाल, और अब आप ये वाली साइड देखो। दोनों ही प्रोडक्ट्स के साथ मुझे पैकेजिंग में ये मिला था, इस पे लिखा हुआ है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट को 5 स्टार दोगे और हमें व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करोगे अपने रिव्यू का, फीडबैक का, तो हम आपको 50 रुपीज का कैशबैक देंगे। तो मैंने इसके लिए किया था ऑब्वियसली, क्योंकि ये मुझे इसके पैसे पूरे करने थे यार, ये तो टोटल वेस्ट ऑफ मनी था। इसे मैं अभी फेंकने वाली हूँ, इतने टाइम से मैंने इसे संभाल कर रखा था सिर्फ इस रिव्यू के लिए, अदरवाइज मैं इसे फेंक चुकी होती उसी दिन जिस दिन ये मुझे रिसीव हुआ था ना, उसी दिन मैं इसे फेंकने वाली थी। बिल्कुल पेन के साइज का है और मतलब बहुत पोर्टेबल है यार, जहां लेके जाना है साथ लेके जा सकते हो। जब मैं अपनी लद्दाख ट्रिप पे भी गई थी ये मेरे साथ किया था कि अगर मुझे जरूरत पड़ी फटाक से मैंने कर लिया। मैं नहीं कहती कि ये 5 स्टार डिजर्व करता है क्योंकि ट्रिमर है तो ये ट्रिम करता है बालों को। जब हम थ्रेडिंग करवाते हैं तो उसकी फिनिशिंग डिफरेंट होती है, जब हम करवाते हैं 2-3 दिन बाद जैसे ही हमारी ब्राउज दिखती है ये वैसे फिनिशिंग देता है, जो फर्स्ट डे वाली होती है वैसी नहीं, 3रे दिन वाली ये देता है। अभी आप देख सकते हो कि हुए हैं बाल, काफी ट्रिम हो गए हैं और इतना पता भी नहीं लग रहा है, मतलब काफी हद तक क्लीन हो गए, बट छोटे छोटे डॉट्स रह गए हैं आई गेस, क्योंकि मेरे बाल काफी छोटे थे। अगर मैं आपको मेरी ये बड़ी पूरी आईब्रो उड़ा के दिखाऊं तो शायद ये बिल्कुल क्लीन फिनिश देगा, अगर आप एकदम फुल ग्रोथ के साथ कर रहे हो तो इसकी फिनिशिंग काफी क्लीन होती है, पर अगर मेरे जैसे थोड़ी छोटी छोटी ग्रोथ है तो उस हिसाब से इसने काफी हद तक क्लीन फिनिशिंग दी है। पार्लर से जो मैं आईब्रोज करवाती थी मुझे उनका शेप ही पसंद नहीं आता था, अब मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मैं अपनी आईब्रोज तो मुझे छोटी रखनी है, मैं छोटी रखती हूँ, मुझे बीच में स्पेस ज्यादा चाहिए तो मैं स्पेस ज्यादा करती हूँ, वहां पार्लर वालों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने ना कभी सोचा ही नहीं था, मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया था इस चीज की तरफ कि मेरी आईब्रोज बहुत पतली बना देती हैं पार्लर वाली आंटियां। तो अब मुझे ऐसा होता है जब मैं अपनी पुरानी पिक्चर्स देखती हूँ कि यार ये कितनी पतली है कि मैं 60s में हूं, मतलब फील हुई मुझे वो वाली वाइब आई, 1960s वाली वाइब आई थी मुझे। तो जब से ये ट्रिमर मुझे मिला है, वैसे मेरी आईब्रोज थिक नहीं है पर वो तो और भी पतली कर देते हैं, बट अब मैंने अपनी पसंद के हिसाब से अपनी आईब्रोज को शेप दिया हुआ है और मैं खुश हूं, और ग्रोथ भी थोड़ी जल्दी हो जाती है क्योंकि ट्रिम कर रहा है। तो 4-5 दिनों में, हफ्ते भर में आपको ये यूज करने की जरूरत पड़ सकती है, मैं तो खैर महीना यूज नहीं करती हूँ कि जब तक थोड़ी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो जाती है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको रेगुलर करना है रेगुलर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ एक चीज मुझे लग रहा है शायद जो आप लोगों के दिमाग में आएगी कि जैसे मैं इससे अपने अपर लिप्स भी बनाती हूँ कि हार्ड बाल आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। आप थ्रेडिंग करवाते हो उससे जैसी ग्रोथ होती है सेम ग्रोथ इससे भी होती है, ज्यादा सही है यूज करना। बस एक चीज का ध्यान रखना कि बड़े बालों पर यूज मत करना कि कहीं आप यहां मारना शुरू कर दो या हाथ पैरों पर मारना शुरू कर दो, वहां यूज मत करना क्योंकि इसकी ब्लेड देखिए आपने काफी ज्यादा छोटी है, काफी डेलिकेट है तो वो खराब हो सकती है। आपको ये प्रोडक्ट ज्यादा टाइम तक इस्तेमाल करना है तो प्लीज इसको फेस तक ही लिमिटेड रहने देना, सिर पे मत चले जाना इससे। मैं आपको ये प्रोडक्ट डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी। आज की ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा ये फीडबैक, और ये अगर आपको परचेज करना है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो गाइज अब मैं फाइनली उस कचरे को फेंक सकती हूँ, और कचरे वाले भी आ गए हैं। खैर मैंने अपना टाइम और अपने पैसे बचाने के लिए इसे खरीदा था पर इसने मेरे पैसे वेस्ट कर दिए, तो अभी आ गए कूड़े वाले, फेंक के आती हूँ। तो गाइज बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। बाय बाय, टेक केयर।